इसी माह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित हो रही है। हम सभी जानते ही हैं कि यह बैठक प्रतिवर्ष होती है और मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है और सामान्यतः दीपावली के पूर्व अक्टूबर के अंत में यह कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित होती है। सारी बैठकें 2020 के प्रारंभ से अप्रत्यक्ष ऑनलाइन में हुई या आधे लोग आए आधे ऑनलाइन रहे, इस तरह से हुई है। जुलाई तक भी ऐसी ही बैठकें हुई है। अभी पहली बार ही उसके बाद पूर्ण उपस्थिति में ये कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। 350 कार्यकर्ता अपेक्षित है। सभी जो संघ की दृष्टि से प्रांत है उसके माननीय संघचालक, कार्यवाह और प्रचारक, ये सभी प्रांतों के संघ के यहाँ अपेक्षित है और पूरा 3 दिन ये बैठक चलेगी। हम सभी जानते हैं कि मार्च में संघ की जो प्रतिनिधि सभा होती है उसमें हम लोग एक योजना बनाते हैं प्रतिवर्ष और फिर उसके अनुसार पूरे वर्ष भर का कार्य चलता है। तो ये जब अक्टूबर में हम लोग मिलते हैं तो सामान्यतः उन कार्यों की थोड़ी समीक्षा भी करते हैं और आगामी योजना के बारे में भी, उसका अनुवर्तन, उसका फॉलोअप कैसे करेंगे उसके बारे में भी विचार यहाँ करते हैं। तो यहाँ इस संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा यहाँ पर होगी। अभी मुख्यतः कार्य विस्तार के बारे में इस बैठक में चर्चा होगी और उसकी समीक्षा भी होगी और उसके लिए जो कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता है, उनके विकास है, उसके संदर्भ में भी